उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश में हर मंदिर के बगल से मस्जिदों को हटा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर के पास से मस्जिद हट गई, वैसे ही देश के सभी मंदिरों के पास से मस्जिदों को हटा देना चाहिए। दरअसल संजय निषाद बागपत पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, जैसे वो लोग राम मंदिर से हट गए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मस्जिद अलग से बनेगी, वैसे ही हर मंदिर के बगल से मस्जिद हट जानी चाहिए। भारत की संस्कृति है तो हमें हटने की नहीं, बल्कि जो दूसरी संस्कृति है उन्हें दूसरी जगह कहीं भी बनाकर पूजा करनी चाहिए। जहाँ भी मंदिर है, जितनी भी मंदिर है, वहाँ जो मस्जिद बनी हुई है, निश्चित रूप से जैसे दूसरे देशों में, मैं दुबई में गया था, सड़क पर मस्जिद है, बन के हट हो जाता है, कहीं ज़्यादा कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ पूजा पाठ के लिए है। आज भारत में मैंने देखा है कि यहाँ किस तरीके से धार्मिक उन्माद है। सारे मस्जिदों को मैं तो चाहूँगा कि उन लोगों ने स्वतः जिस तरीके से राम मंदिर से हट गया और राम मंदिर आराम से बन रहा और मस्जिद अलग से बने, वैसे हर मंदिरों के बगल से मस्जिद हट जाना चाहिए और दूसरे जगह बन जाए धार्मिक पूजा। भारत का संस्कृत है तो हमें हटने की नहीं, बल्कि जो दूसरे भारतीय जो संस्कृत है वो अगर धार्मिक पूजा करना चाहते तो स्वागत है और कहीं बनाकर आराम से पूजा कर सकते, लेकिन उन्माद फैलाकर आपस में कटुता पैदा करने कर। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष मौलानाओं के साथ मिलकर धार्मिक उन्माद फैलाता था, दंगे कराता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से दंगों पर अंकुश लगा है। मौलानाओं पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देश में मौलानाओं ने गरीबी बढ़ाई है और इनके कारण ही मुस्लिम बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने यूपी में मदरसों का सर्वे करने के सरकार के फैसले का भी स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने मदरसों और मौलानाओं को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि आतंकवादियों और अपराधियों के मदरसों से संबंध पाए जाते हैं। उन्होंने कहा, जो भी अपराधी मिले हैं, आतंकवादी मिले हैं, उनके लिंक वहीं से मिले हैं। इस पर तो उन्हें सुधरना चाहिए, उनको अपने दाग को धोना चाहिए। आज के दिन में सर्वे हो रहा है कि उनको शिक्षा ज्ञान विज्ञान बढ़ाया जाए। बागपत के मंत्री संजय निषाद के बयान पर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी मुस्तफ़ा देहलवी ने कड़े शब्दों में नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उन्हें मालूम नहीं कि मदरसों से आतंकवाद नहीं, देशभक्ति पैदा होती है। ऐसे मंत्री को तुरंत निष्कासित कर जेल भेज देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक सभा का आयोजन किया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष के लोगों को रावण बताया और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।